चाचा भतीजा क्या बेवकूफ बना रहे हो दिल्ली वालों का। एक चाचा भतीजा का स्पेशल बनने जा रहा है मटन 150 में 2 पीस भाई। 150 में 2 पीस? हाँ जी भाई। अरे कैमरा के सामने तो झूठ मत बोलो। अरे तो मेरा मीनू भी देख लो भाई। कौन सा ब्रांड यूज करते हो आप? सारा ब्रांडेड तेल धारा या फॉर्च्यून यूज करते हैं। बिहार जैसा एकदम चंपारण जैसा टेस्ट आएगा। चंपारण का है, चंपारण वाला टेस्ट देते ही हम। अच्छा मुझे ये तो बता दो चाचा कौन है और भतीजा कौन है? चाचा है वही भतीजा, जो भतीजा है वही चाचा है। भैया गोविंदा का फैन है, गोविंदा का डायलॉग है भाई। अभी भैया तेज पत्ता है। अच्छा उसके बाद में हरी मिर्च और सूखा मिर्च है। हरी मिर्च और सूखा मिर्च। अब आ गया मेरा साबुत खड़ा मसाला। खड़े मसाले। अब आएगा साबुत लहसुन। साबुत लहसुन? हाँ जी भाई। कहाँ की प्रथा है? चंपारण है भैया। चंपारण है? हाँ जी भाई। अरे भैया चंपारण से खुद विलंब करते, नाम रख लेने से चंपारण का टेस्ट थोड़ी हो जाता। ओरिजिनल चंपारण से तो हम लोग है भाई। ये डाल रहे प्याज। इतना सारा प्याज? हाँ जी 4 kg प्याज है। टेस्ट का 2000% गारंटी देते हम। टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। ये क्या डाल रहे भैया? ये लहसुन पेस्ट है भैया। लहसुन पेस्ट, लहसुन और अदरक का। भैया कितनी देर में बनेगा मटन हमारा? मटन में 45 मिनट टाइम लगता है। मटन को तो ज्यादातर ना कुकर में बनाते हैं। कुकर में हम कढ़ाई में बनाते भैया। ये बोले ना चंपारण का ये स्टाइल है बनाने का। ये कौन सा बहादुरी हो गया कि कुकर में बना के लाए और हांडी में डाल दे, उससे क्या फायदा? दिखावा नहीं होता है भैया। तो अच्छा से थोड़ा ढाक देते हैं। तो अभी ये इसमें कितना टाइम लगेगा प्याज पकने में? प्याज पकने में 5-10 मिनट बहुत हो जाएगा। तो मटन के कौन कौन से पीसेस लेकर आते हो? सीना, चाप, रान सब रहता है। गांधीनगर से लेके आते हैं, वो भी खस्सी है। ये 650 रुपए किलो मिलता है हम लोगों। और आप खिला रहे हो 150 में 2 पीस? 10 रुपए प्लेट कमा ले बहुत है मेरे लिए। और भैया कह रहे हैं कि यहाँ पर कि भाई ओरिजिनल चंपारण तो हम ही है। एकदम 2000% भैया। अगला स्टॉप अभी हल्दी डालेंगे। हल्दी डालेंगे? तो जितने सारे आप मसाले डालते हो वो खुद के मसाले होते? अरे भैया खुद का मसाला अच्छा होता है ना, खुद से आते हैं अपने से खरीद के। हमको नाम नहीं कमाना, स्वाद कमाना है। जो हांडी मीट बनता है ना मोतिहारी में, एक जगह है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट हम मोतिहारी से प्रॉपर मोतिहारी बिल बनवा। तो आपके पास तो मैंने सुना है कि काफी भीड़ आती है। देखी नहीं, अभी भीड़ लगा हुआ अभी। पूरी दिल्ली वड़ा पाव खाने की शौकीन हो गई। अरे भैया वो शक्ल बिकता है उसका, वड़ा पाव थोड़ी बिकता है। शक्ल बिकती है? नेचर कैसा लगता है आपको? नेचर है थर्ड क्लास। थर्ड क्लास? हाँ जी। जो कस्टमर होता है ना भैया, सबसे बड़ी बात होता है टेस्ट और व्यवहार। व्यवहार के ऊपर टेस्ट थोड़ा खराब 19-20 हुआ था चलता है, लेकिन बिहेवियर बढ़िया रहेगा तो कस्टमर जाहिर सी बात है कि आपके पास आएगा। तो भैया सच बोलो भैया, सारे मसाले आप अपने हिसाब से आप अपने डालते हो? मार्केट खरीद के पिसवाते हैं भाई। खरीदते हो फिर पिसवाते हैं? ये क्या डाल रहे हो? जीरा पाउडर। जीरा पाउडर? कितने तरीके के मसाले डालते हो आप इसमें? 14 मसाले डालते हो? मेरे पास वो नहीं है स्पेशल, बाबा का दादा का स्पेशल कुछ मसाला नहीं है मेरा। अच्छा कुछ ऐसा मसाला नहीं? नहीं मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है। जो घर में बनाते भैया वही मसाला हम भी डाल। भैया इतने जेन्युइन कैसे हो आप? बस जेन्युइन है तो जेन्युइन ही बताएंगे ना भैया। ये कौन सा मसाला डाल रहे हो? एक कलर के लिए मिर्ची डाल रहे हैं। ये कौन सी कंपनी का है? कैच का। यहाँ तो BMW से लोग घूमता है बड़ा पाव वाली। हमारे पास स्कूटी भी नहीं है। मोबाइल भी देख लो कौन सा मोबाइल रखते हैं आज के दौर में, बच्चा भी नहीं लगता हम यही मोबाइल। अरे यार ये तो कौन से जमाने का फोन लेके? बस यही है मेरे पास भाई। सोच लो बैंक अकाउंट अभी तक नहीं है। बैंक अकाउंट नहीं है आपका? दूसरा का पेटीएम चलाते हैं। दूसरे का पेटीएम चलाते हैं भाई? भैया कहाँ से सिखाया आपने कहीं? अरे बोल तो रहा है भैया, लोग चंपारण का है, चंपारण का बच्चा भी बना देगा ना तो मटन या चिकन या मछली बेस्ट ही बनेगा। सब लोग मुखर्जी नगर का UPSC BPSC तैयारी करता है, बिहार में सब मटन चिकन बनाने का तैयारी करता है। तो भैया मुझे एक बात बताओ, ये दावा कर रहे हैं कि बिहार वाला मटन चंपारण खिला रहे हैं, ये तो ये बात बिल्कुल सही है? यहाँ पे बिहार को भी फेल कर रखा अगले ने। बिहार को भी फेल कर रखा है 101%। मुझे ये बताओ मटन का टेस्ट कैसा लगता है चाचा भतीजा का? इनका टेस्ट बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि शाम को डेली तरी चाट के सोते हैं। हाँ इन्हें बोटी मिलता भी नहीं, इतना बढ़िया माल बनाते हैं वो, एक नंबर सुपर हिट। यही प्राइस आप अगर बड़े होटल में चले जाएंगे इससे बेकार खाने भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे मोटा। यहाँ पैसे का तो मुख्य रूप है, गरीब से गरीब भी बंदा यहाँ के खा सकता। आप मुझे ये बताओ चाचा भतीजा पे कब से आ रहे हो मटन खाने? एक साल हो गया चाचा भतीजे पास आते हुए। आर्मी में था, फौज में, मैं रिटायर हो गया, मेरे पांव में गोली लग गई, फिर मैं हिमाचल से दिल्ली आया, फिर मैंने नौकरी लगाना काम शुरू किया। हाँ। और चाचा के पास आते मेरे वन ईयर हो गया। तो यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है मटन का आपको? यहाँ का टेस्ट मुखर्जी नगर से सबसे बेटर इनका टेस्ट है। अच्छा। इनकी बहुत बढ़िया साफ सफाई से बनाते हैं। चाचा का माल बहुत अच्छा है। चावल भी बनाते भैया डबल चाबी का। डबल चाबी का? हाँ जी हाँ जी। ये कौन सा चावल होता है भैया? डबल चाबी बासमती राइस है। बासमती राइस? हाँ जी। फाइनल रेडी हो गया भैया, आपका लगा रहा थाली हम। तो कौन कौन से पीस डालने वाले हो? सीना का है, नल्ली का है, चाप का दे रहा है भैया। चाप का भी दे रहे हो? माते 4 पीस 300 में और साथ में लहसुन है फ्री में। और कोई सिंगल पीस लेगा तो? 75 रुपया भैया। 75 रुपए से? हाँ 2 पीस 150 का। तो भैया मुझे ये बताओ कि अगर ये बिहार वाला चंपारण मटन किसी को खाना है तो कहाँ पर आना पड़ेगा खाने के लिए? मुखर्जी नगर बात्रा सिनेमा नियर मी पंजाब नेशनल बैंक सफल डेयरी चुग डेयरी। और आपकी मतलब टाइमिंग क्या रहती है भैया? 12 बजे से लेकर 10 बजे तक। और हफ्ते में कितने दिन खुले रखते हो शॉप? सारा दिन खुला रहता, ट्यूडियो का बंद रहता सिर्फ मंगलवार को। सिर्फ मंगलवार को बंद रहता? हाँ जी।